तो भारतवासियों को जो मिल रहा है वो स्वर्ग में नहीं है। क्या मिल रहा है भारतवासियों को? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता सदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोको पिन सेव्यता। देवता कहते हैं स्वर्ग में भोग सामग्री तो बहुत है पर भजन सामग्री नहीं है, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का साधन नहीं है, न साधु संतों का दर्शन होता है, न भगवान की दिव्य कथा सुधा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, न यहां पर यज्ञ आदि सत्कर्म होते हैं। स्वर्ग में यज्ञ आदि कहां होते हैं? न विद्वानों के दर्शन मिलते हैं, न संतों के दर्शन मिलते हैं, न ठाकुर जी के दिव्य भव्य देवालयों के दर्शन मिलते हैं, न ठाकुर जी के महोत्सव मनते हैं। भारत में तो निरंतर उत्सवों का दिन है, ऐसा कोई दिन नहीं है जो कोई उत्सव न हो। कभी जन्मोत्सव, कभी विवाहोत्सव, कभी होलिका उत्सव है, कितने उत्सव बारो मासी। वृंदावन में जाओ, गर्मी आ गई, अब बिहारी जी के नित्य फूल बंगले बन रहे हैं, एक से एक जबरदस्त। महा महोत्सव, दिव्य महोत्सवों से उत्सव का मतलब उत्साह से भरा रहे। तो इन उत्सवों के द्वारा भारतवासी सदा उत्साह से भरे रहते हैं। कभी रामनवमी तो कभी हनुमत जयंती, कोई ना कोई उत्सव हमेशा। कौन सा महीना है जो उत्सव से रहित हो? ये भारतवर्ष की महिमा है। बोल भारत माता की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसीलिए भगवान के सारे अवतार भारत में हुए हैं।